मैं ललूश ब्रिटानिया तुम सबको हुक्म देता हूँ कि तुम अब सब खुद को गोली मार लो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ क्रोम और मैं हूँ साइंस का दीवाना और मैं कभी हार नहीं मानता। काय म्हणते नागपूर चे पोटते रे। हाउ वॉज योर जर्नी एज अ फैंडवर टू अ प्रोफेशनल लेजिट मल्टी मिलियनर कंपनीज का ऑफिशियल, अपन बोल सकते हैं पोस्टर बॉय, अब तो आप हो गए हो। सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किए, ट्राई किया डब करते करते फिर मेरे को लोहित भाई मिले। इमेजिन एवरीवन इज ब्रिटानिया के एक समिट में आया है टू मेक पीस। देखो यूफेमिया, मैं चाहता हूँ कि तुम सामने जाकर वार कर दो। मैं नहीं चाहता कि इस जंग में मैं हार जाऊँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये कर ही रहूँगा क्योंकि मैं हूँ ललूश ब्रिटानिया। काय म्हणते नागपूर चे पोटते रे। थैंक यू मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। एक्चुअली सबसे पहले तो बादल से मिलने आया था क्योंकि मैं उससे मिला नहीं था कभी भी, एंड मेरे वॉइस आर्टिस्ट फ्रेंड्स आए हैं यहाँ पर जिनको देखने के लिए, जिनको सुनने के लिए मैं यहाँ पर आया था। बाकी और मेरा कोई काम नहीं है इधर। सो वेयर इज अदनान? हाय अदनान, प्लीज कम। सर टोफी आपको देना पड़ेगा। हाँ प्लीज। वेलकम अदनान, यू कैन जस्ट कीप इट देयर। थैंक यू योगी भैया फॉर द अमेजिंग चीयर अप एंड फेलिसिटेशन। यस अदनान, वेलकम टू नागपुर, कैसा लग रहा है? मतलब मेरा फर्स्ट इवेंट है तो मैं बहुत ज़्यादा, हाँ मेरा फर्स्ट इवेंट है एज अ वॉइस आर्टिस्ट। तो स्कूल कॉलेजेस में तो परफॉर्म किया ही है लेकिन अभी एज अ वॉइस आर्टिस्ट यहाँ पर देख आना और लाइक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। नहीं सर, इट्स आवर ऑनर एंड यू हैव वॉइस्ड फ्यू ऑफ आवर फेवरेट कैरेक्टर्स एंड आई कैन ऑल्सो से कि यू आर लाइक, आपका जर्नी थोड़ा सा यूनिक रहा है। आई थिंक यू स्टार्टेड एज अ फैन डबिंग आर्टिस्ट एंड धीरे धीरे अब में इतना ज़्यादा प्रोनेस आ गया कि द बिगर कंपनी स्टार्टेड अप्रोचिंग यू। सो हाउ वॉज योर जर्नी एज अ फैन डबर टू अ प्रोफेशनल लेजिट मल्टी मिलियनर कंपनीज का ऑफिशियल, अपन बोल सकते हैं पोस्टर बॉय, अब तो आप हो गए हो एक दो कंपनीज के। सो हाउ वॉज द जर्नी? सो प्लीज शेयर विद अस। तो मतलब स्टार्ट मैंने स्कूल डे से ही कर दिया था क्योंकि एक्चुअली क्या था कि मैं आवाज़ से काफ़ी अट्रैक्ट होता था। मतलब मैं पहचान लेता था कि अगर ये मूवी है इसके अंदर कोई वॉइस आर्टिस्ट है तो उसका जो नेक्स्ट मूवी कोई कर रहा है तो ये सेम आर्टिस्ट ही है। तो मैं स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो मैं विराज दफ सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं उनकी आवाज़ पहचान लेता था कि अच्छा टॉबी मैगवायर वाली में भी यही है और एंड्रू गारफील्ड वाली में भी यही है। करेक्ट है। तो मतलब वो चीज़ तो थी। ऊपर से क्या था कि मैं स्कूल में असेंबलीज में बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाता था क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत भारी थी उस टाइम के बच्चों से। है बेस था तो मैं असेंबलीज करता था और ऐसी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने यूट्यूब पे फैन डब ट्रेलर देखा एक। करेक्ट। और वो भी स्पाइडरमैन का ही था। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार अगर स्पाइडरमैन मेरी आवाज़ में होता तो कैसा लगता। तो फिर मैंने वहाँ से सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किए, ट्राई किया डब करते करते फिर मेरे को लोहित भाई मिले। फिर लोहित भाई और मैं जुड़ गए। तो फिर ऐसे धीरे 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 जर्नी बढ़ती गई। फिर क्या हुआ था कि मेरे दिमाग में यही था कि मुझे मुंबई ही जाना है। ओके मतलब अब ये जो चीज़ है ये शौक से ज़्यादा थोड़ी आगे पहुँच गई है। करेक्ट। तो मैं इसको एज अ प्रोफेशन ही बनाना चाहता हूँ। करेक्ट। क्योंकि रिजल्ट्स भी आ रहे थे लाइक जैसे YouTube चैनल एकदम से ब्लो अप हो जाना, मेरे 35,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। wow. मेरा वीडियो एक अलादीन वाला वायरल चला गया था, 3 मिलियन व्यूज हो गए थे उस पर। अमेजिंग। तो मैं 10th क्लास में था उस टाइम। wow. तो 10 मिलियन 10th क्लास में। हाँ 3 मिलियन 10th क्लास में। ओके 3 मिलियन 10th क्लास में। तो धीरे धीरे फिर वहीं से पता चला, धीरे धीरे पेरेंट्स को कन्विंस किया कि यार मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है। और ऐसे करते करते फिर मैं मुंबई आया, फिर यहाँ पे यहाँ से कॉलेज भी कर रहा हूँ और अब साइड बाय साइड अब धीरे धीरे हसल भी चल रही है। करेक्ट। वंडरफुल। सर आप एनिमे ज़्यादातर डब्स करते हैं जैसे कि कंडीशन कॉल लव हो गया, यू हैव डन क्रोम फ्रॉम डॉक्टर सोन विच इज़ वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर्स। रिसेंट में अभी काइजू नंबर 8 से आपने रेनो किया था एंड दिस इज़ लाइक वन ऑफ माय फेवरेट ऑल टाइम हाई कैरेक्टर्स एंड इट्स लाइक माय फेवरेट एनिमे ऑफ ऑल टाइम कोड गियास, उसमें आपने लुलूश का रोल किया था। सो एज
a fan. I was very possessive of that anime. It's like one of my all-time second favorite anime. First is Cardcaptor Sakura, but second favorite anime, and it was purely because of the potential that the character had. Lelouch ki wajah se hi Kodiyas bahut sare logo ka favorite anime hai, and there was a lot of pressure on the Hindi dubbing artist ki ek level of quality deliver karna hai. I saw the episode, like I was researching, and Kodiyas ka rewatch bhi karna tha, so I rewatched the entire series in Hindi dub, and Lelouch was a role which I can proudly as a Kodiyas fan can say you have delivered 100%. Like mereko Japanese aata hai, main Japanese mein hi dekhta hu zyadatar animes, par Hindi mein maine dekha and mera overall viewing experience was not bad. I enjoyed as much as मैं Japanese करता. So my first मेरे दो questions हैं. Number one is Lelouch comes with a lot of responsibility, or for that matter any character. यानी कल चल के आपको Spider-Man भी मिल गया, तो there is a big fandom जो कि आपके हर काम को judge कर रहा है, right? So Lelouch का एक responsibility था, वो आपने कैसे handle किया? And second thing is like how did you get Lelouch? Like many people I think wanted to bag Lelouch because Kodiyas बहुत लोग का favorite anime था, but you got Lelouch. So ये दो questions हैं. तो जब audition देते हैं तब आपको नहीं पता होता कि आप कौन से character के लिए audition दे रहे हो. तो मुझे studio से call आया और वो मेरा उस studio में पहला project था और वो पहला project ही as a lead था. तो मैंने कहा कि ठीक है मैं audition देता हूँ. मैं गया तो मैं थोड़ा nervous तो था क्योंकि मेरा पहला audition है उस studio में, lead के लिए वैसे ही दे रहा हूँ. तो मैं 100% चाहता था कि यार ये सिलेक्ट होना ही चाहिए क्योंकि मुझे काम करना है और मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा अगर सिलेक्ट हो गया तो. लकीली वो सिलेक्ट हो गया, वो डेस्टिनी थी. सिलेक्ट होने के बाद अच्छा मैंने कभी उसको इस नज़रिए से नहीं देखा कि यार ये Lelouch है तो मेरे ऊपर प्रेशर है, मुझे लोगों को मतलब सेटिस्फाई करना है कि यार मतलब अच्छा डब करना है, वो करना है. क्योंकि रहता है, क्योंकि Kodiyas का फैंडम आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत ज़्यादा हाई है एंड आप भी एनीमे देखते हैं, आपको भी पता है Kodiyas हैज अ गुड फैन बेस. डेथ नोट और उनका कुछ कॉन्ट्रोवर्सी है कि एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं था कि उसका कुछ इतना ज़्यादा क्रेज़ है और वो कोई इतना इंटेंस कैरेक्टर है या मतलब उसका इतना बड़ा फैंडम है. तो मैं जब स्टूडियो जाता था तो मैं उसको लाइक एज अ नॉर्मल कैरेक्टर ही देखता था. Correct. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रेशर में कोई भी कैरेक्टर करेंगे ना तो आपका क्रिएटिव ब्लॉक हो जाएगा. Absolutely, absolutely. तो आप फंबल भी कर सकते हैं और हो सकता है इंटोनेशंस भी गलत हो जाएं, आप कैरेक्टर को ढंग से समझ ना पाए. करेक्ट. तो इसलिए मैं फ्री माइंड में जाता था, डब करता था जैसा मुझे लगता था कि फ्लो के साथ कैसा जा रहा है और डायरेक्टर्स का भी काफी स्कोप रहा.